भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर बनी बायोपिक 19 जनवरी को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी, लेकिन आज उनका गाना रिलीज हुआ है और उनका किरदार निभा रहे पंकज त्रिपाठी जी काफ़ी वर्सटाइल एक्टर हैं, आज लखनऊ में हैं, उनके गाने को यहाँ पर रिलीज़ किया है और फिल्म का प्रमोशन करने पहुँचे हैं। सर, हिंदू तन मन जो गाना आज रिलीज़ हुआ है, सबसे अहम सवाल आपसे, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा व्यक्तित्व, जब आपके पास ये ऑफर आया कि आपको उनका रोल निभाना है, मन में पहला सवाल क्या था और क्या चैलेंजेस थे? संशय, चिंता, भय कि मैं न्याय कर पाऊंगा क्या, और फिर मुझे आसपास के लोगों ने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कन्विंस किया कि तुम ही हो जो न्याय कर सकते हो, तो मैं उनकी फीलिंग्स और उनके भरोसे पे मैं भी बोला चलो इतना भरोसा है तो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। मेहनत और प्रयास ही किया हूँ ईमानदारी पूर्वक, जैसे जैसा अटल जी का पारदर्शी व्यक्तित्व था उतना ही पारदर्शी जीवन में मैं हूँ। और अब 19 जनवरी को जब सिनेमा घरों में आएगी, लोग देखेंगे, फिर अपनी राय देंगे, बनाएंगे। तो फिल्म में अलग अलग दृश्य हैं पूरे इनके जीवन काल के, उसमें से एक दृश्य राम मंदिर आंदोलन का भी फिल्म में दिखाया गया है। बड़ा इस समय उत्सव चल रहा है पूरी दुनिया में, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है, तो उससे अगर हम इसको रिलेट करें तो किस तरीके से आप अभी उसके बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, उससे इसको रिलेट करें, महज संयोग है, हमारी फिल्म 25 दिसंबर को आनी थी, चूँकि उनका जन्मदिन है, VFX 100 मिनट का हो गया, लंबा हो गया, उसका काम करने में समय लग गया, तो देरी से फिल्म 19 जनवरी को आ रही है। एक संयोग है और सुखद संयोग है। दर्शन करने की अगर बात करें, सभी लोग जा रहे हैं, सभी सेलिब्रिटी भी? मैं जब ये कार्य संपूर्ण हो जाएगा, मैं इत्मीनान से परिवार के साथ आऊँगा। मैं आमतौर पे इन यात्राओं में चुपचाप जाता हूँ और दर्शन करके आ जाता हूँ, तो उस दिन तो बहुत हाई सिक्योरिटी और वहाँ काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, तो मैं इत्मीनान से कभी जाऊँगा और रामलला का दर्शन करके आ जाऊँगा। आखिरी सवाल है सर आपसे, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति का आपने किरदार निभाया है, क्या हम फ्यूचर में कभी पंकज त्रिपाठी जी को भी ओरिजिनल में पॉलिटिक्स में देखेंगे क्या? मुझे अभी अनुमान नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं, और मैं हृदय से बोल रहा हूं, मैं कुछ छुपा के नहीं बोल रहा हूं कि मुझे लगता है अभिनय का काम दुनिया ठीक ही चल रही है। स्पष्ट मना नहीं कर रहे हैं सर आप? कैसे मना कर दूं, कल हमने कहा, हमें कैसे पता कि मेरा कल क्या होगा? हमारा कल पता हो जाए तो हम तो ईश्वर ही हो जाए ना, तो मैं अपना ही, मैं उतना ही पारदर्शी आदमी हूँ कि सच में मुझे मेरा कल पता नहीं है। अभी व्यस्त हूँ सिनेमा में, 2024 पैक है फिल्मों से, ये पता है मुझे, 25 में मैं क्या करूँगा मुझे नहीं मालूम है, एक्टिंग करूँगा, खेती करूँगा, मुझे नहीं पता। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पंकज त्रिपाठी जी अपने ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं, खास तरीके से उन्होंने जी मीडिया से बात की। 19 जनवरी को उनकी फिल्म रिलीज़ हो रही है, मैं अटल हूं, और जिसका प्रमोशन करने के लिए लखनऊ पहुंचा, चाहते हैं सभी लोग अटल जी के उस जीवन काल को सिनेमा में जाके ज़रूर देखें। कैसन देशराज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।